ठीक है, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 15,000, जो सेगमेंट बेस्ट स्पेक्स ऑफर करते हैं। अगर आप हाई ग्राफिक गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एक पावरफुल 5G CPU मिलेगा। ब्लॉगिंग, वीडियो शूट, रील्स या शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए OIS कैमरा होगा, जिससे आप काफी स्टेबल हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर आप ज्यादा कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो तो उसके लिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद फास्ट रिफ्रेश रेट। हर एक स्पेक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की, जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, नंबर 5th पोजीशन पर आता है। और यह दोस्तों सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। ये बजट के अंदर सैमसंग का एक लेटेस्ट फोन है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.5 inches फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच। 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 800 पीक ब्राइटनेस और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। साइड में पॉलीकार्बन बैक दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। मिनिमल डिजाइन मिलता है वही सैमसंग का। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 5 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा और एक आपको यूजलेस लेंस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिलता है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरास के अंदर फुल HD ऑप्शन मिलता है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मिलती है। डिलाइट कंडीशन में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+, जो 1.6 nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, लेटेस्ट है, काफी स्टेबल है, 4,10,000+ अंडरस्कोर आता है। मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। 40fps गेम प्ले मिलता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जो कि 1UI 6.1 पर बेस्ड है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, 1 SIM 1 SD कार्ड या फिर 2 SIM एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें डॉल्बी एटमोस ट्यून्ड सिंगल स्पीकर और 3.5mm जैक दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की एक्चुअल प्राइस है 12,999। बट आप इसके 6+128GB वेरिएंट को विदाउट एनी ऑफर सिर्फ 14,500 रुपए में इजिली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G64 5G। इसका सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है स्टॉक एंड्रॉइड, जो बेसिकली क्लीन UI है, कोई भी एड्स या फिर फालतू के ब्लॉटवर्स देखने को नहीं मिलते हैं। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.5 inches फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, 560Hz पीक ब्राइटनेस और सिक्योरिटी के लिए अगेन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। रियर साइड में पॉलीकार्बन बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें OIS का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो डेप्थ और माइक्रो का भी काम करेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। अच्छी बात यह कि इसमें आपको कोई भी फालतू के यूजलेस लेंसेज डेप्थ और माइक्रो अलग से नहीं दिए गए हैं। इसके मेन कैमरे से फुल HD 60fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा एवरेज करता है, डिसेंट क्वालिटी मिलेगी। इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025, जो एक लेटेस्ट CPU है एंड इस CPU के साथ आने वाला ये वर्ल्ड फर्स्ट फोन है, जो 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 5 लाख के अराउंड अंडरस्कोर आता है। ये दोस्तों डायमेंसिटी 7020, जो इसके प्रीवियस वेरिएंट G54 के अंदर मिला था, उससे थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड किया गया है, बट परफॉर्मेंस सेम मिलेगी। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 90fps गेम प्ले ऑप्शन मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि MIUX 14 यानी कि एंड्रॉइड पर बेस्ड है। इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 8GB वर्चुअल रैम और 3.5mm जैक मिलेगा। दोस्तों, ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 13,999, सिर्फ 14,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको X6 नियो 5G। इसका सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है डिस्प्ले, 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.67 इंचेस फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1920Hz PWM डिमिंग एंड 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए सुपर दिया गया है, जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा और स्मूथली गेमिंग भी कर सकते हो। रियर साइड में पॉलीकार्बोन बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम का बॉक्स टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 108MP का दिया गया है, साथ में 2 का डेप्थ लेंस मिलेगा बट सनली अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरास से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलेगी, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 6080 जो 16nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, पावर एफिशिएंट है, 4.5 लाख प्लस स्कोर आता है, मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हो, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 33W का अडेप्टर इन द बॉक्स भी मिलेगा। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर, 3.5mm जैक और IR ब्लास्टर भी दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है विदाउट बैंक ऑफर 14499, 14,500 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T3X 5G और IQ की तरफ से IQ G9X 5G। दोनों स्मार्टफोन्स एग्जैक्टली सेम स्पेक्स ऑफर करते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग और डिजाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। प्राइसिंग में आपको 500 से 1000 तक डिफरेंस मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं T3X की, तो ये 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.72 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम का बॉक्स टाइप। ये काफी स्लिम एंड लाइटवेट फोन है, ओनली 7.9mm थिक एंड 199g वेट के साथ आता है। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में 2 का मैक्रो लेंस मिलेगा बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे के अंदर 4K वीडियो ऑप्शन मिलता है जिससे आप 4K 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी से अगेन फुल HD 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 जो एक 4nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है। ये आपको सिंगल चार्ज पर लॉन्ग टाइम तक बैटरी बैकअप देगा, 5,60,000 के अराउंड स्कोर आता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 40fps गेम प्ले मिलता है, डे टू डे यूजेज में टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि फन टच OS 14 पर बेस्ड है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP64 रेटिंग, 3.5mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 13499, बट इसके 6+128GB वेरिएंट को विदाउट एनी ऑफर अंडर 15 के प्राइस में इजीली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme P1 5G। ये अंडर 15 के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है एंड आप इसको एक ऑलराउंडर फोन भी बोल सकते हो। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.67 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर ड्रैगन ट्रायल ग्लास प्रोटेक्शन, 2000 nits पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको Realme का मिनी कैप्सूल फीचर भी मिलता है जिसको आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। ये HDR और 4K कंटेंट भी सपोर्ट करता है जिससे आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम का बॉक्स टाइप। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है जो सैमसंग के G1 सेंसर के साथ आता है, साथ में 2 का पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा और एक आपको फ्री सेंसर मिलता है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे से
4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका कैमरा जबरदस्त परफॉर्म करता है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7050 जो 16 nm CPU है। इसका अंतिम स्कोर 6 लाख के अराउंड आता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि रियलमी UI 5.0 पर बेस्ड है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इसके अलावा रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलेगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 45W का अडेप्टर इन द बॉक्स भी मिलेगा। बाकी इसमें IP54 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm जैक भी मिलेगा। दोस्तों ये स्टार्टिंग वेरियंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 15,999। बट डोंट वरी, अगर आप इंक्लूडिंग बैंक ऑफर बाय करते हो तो ये फोन आपको अंडर 15 के प्राइस में इजीली मिल जाएगा। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 15 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।